हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो? ठीक ठाक। आज के इस वीडियो में अगर आप ज्यादा परेशान हैं होम थिएटर का जो छोटा स्पीकर होता है, बच्चा स्पीकर, उसके कारण, देखिए इसमें फॉल्ट क्या है। अगर आप परेशान हैं तो इसका सलूशन इस वीडियो में बहुत ही आसानी से चुटकियों में मिलने वाला है। ये देखिए, इसका वायर टूट चुका है, तो ये बजेगा कैसे? और भी मेरे पास बॉक्स है, ये देखिए, इसका भी जो वायर है, इसका भी पिन टूट चुका है। और भी है, ये देखिए, इसमें तो अलग सा वायर, अलग टाइप का वायर जॉइंट किया हुआ है, लेकिन इसमें भी पिन नहीं है। तो इसमें कौन सा पिन जॉइंट करें, क्या करें, कैसे करें, अगर ये प्रॉब्लम आपके सामने खड़ा है तो इसका सलूशन इस वीडियो में मिनटों में होने वाला है। तो चलिए चलते हैं सलूशन की ओर। इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके साथ है तो सबसे पहले क्या करें, इसको खोल लें। खोलने के बाद अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन है तो अच्छा है, और नहीं है तो भी काम आपका रुकेगा नहीं, काम हो ही जाएगा। जैसे सोल्डिंग आयरन से इसे हम डिसोल्डर कर रहे हैं, तो आप कैंची से, ब्लेड से, किसी भी चीज से इसको काट लें और इसमें इसी तरह से वापस जोड़ देना है। लेकिन कौन सा वायर जोड़ना है, कौन सा वायर जोड़ना है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसे क्या करना है, इस तरह का टीवी का जो एवी कोड होता है, अगर ये आपके पास है, ये है, कोई भी टाइप का हो सभी चलेगा। मेरे पास जो है उसे हम लगाएंगे और बस आसानी से आपका जो कोड का समस्या था वो खत्म हो गया। आप अगर चाहें तो, अगर लंबा रखना चाहते हैं इसे बड़ा, तो एक साइड से छोटा काट लें, अगर छोटा छोटा वैसे भी काम चलेगा तो बीच में काट कर, जैसे ये इसको अगर बीच में काट लें तो ये दो दो चार बन जाएगा। और अगर आप लंबा रखना चाहते हैं, थोड़ा लॉन्ग अगर हो आप चाहते हैं तो इसको यहाँ से काट के और इसको यहाँ से ज्वाइंट कर देना है। जैसे देखिए हम ज्वाइंट करेंगे, मेरे पास ये है, ये कटा हुआ है, इसको यहाँ से पार कर लेना है। ये सब तो पता ही है सबको, इसको अंदर से पार करके, और इस तरह से जब इसको आप कैंची से काटेंगे तो दो वायर निकलेगा, दोनों वायर को स्पीकर के एक एक पॉइंट पे जॉइंट कर लेना है। इसको सोल्डिंग कर देंगे, बस हो गया। तो इस तरह से सोल्डिंग कर लेना है, जो दो वायर होता है दोनों को अलग अलग, और ये फर्स्ट क्लास अब बजेगा। और अगर आप चाहें तो इसका जो ये सॉकेट है, पिन है, इस पे आप बैटरी से सप्लाई देकर भी स्पीकर को चेक कर ले सकते हैं। हम देखिए यहाँ पे ये चार्जर का मेरे पास माइनस प्लस पॉइंट है, इसको टच करेंगे स्पीकर से आवाज आएगा, देखिए, यानी अब ये फर्स्ट क्लास हो चुका है। तो ये बहुत ही आसान है, और आप जो परेशानी आपका है उसका सलूशन बहुत ही आसानी से। इसके बाद इसको वापस, इस तरह आप इसको ओपन किए थे, वापस टाइट कर लेना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।